ये कहानी है राजस्थान टूर की, जिस टूर का प्लान ऑलमोस्ट 6 महीने पहले बनाई गई थी। फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तब किसको पता था कि राजस्थान जाने के 10 दिन पहले पुलवामा, विच इज इन कश्मीर, वहाँ पे टेरर अटैक होगा, हमारे देश की 40 वीर जवान शहीद हो जाएंगे और पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक स्टेट यानी राजस्थान जाना हाईली रिस्क हो जाएगा। डर तो था सबके दिल में, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा था राजस्थान घूमने का एक्साइटमेंट। जी, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रात 2 बजे है एंड इट्स लिटरली मिडनाइट। सुबह उठने का आदत है मुझको, लेकिन रात को उठने का आदत नहीं है, सो आई फील सो स्लीपी। हर साल की तरह इस साल भी मेरे बाबा के दोस्तों ने राजस्थान टूर का प्लान किया था। हम लोग अकेले नहीं थे, हमारे साथ था और भी 10 फैमिलीज। टूर को ऑपरेट कर रहा था सौरभ दा एंड तापुस अंकल। धीरे धीरे सबके साथ इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा इस राजस्थान सीरीज में। दिस वीडियो इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ राजस्थान सीरीज, सो कीप वॉचिंग। हमारा फ्लाइट का टाइम था 5:45 AM, सो हम लोगों को निकलना पड़ा 2:30 AM को, क्योंकि हमारे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंच के बोर्डिंग पास लेने में तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। फ्लाइट में 2 घंटा 40 मिनट बैठने के बाद 8:25 AM को हम लोग पहुंचे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उधर एयरपोर्ट से निकलकर हम सब ब्रेकफास्ट किए और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बीकानेर की तरह, विच इज इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, लाइक बारमार, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, झालर, नागपुर, पाली एंड सिकार। एंड दोज आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड डेजर्ट, विच इज द 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बाई एरिया। सो लिटरली हम लोग रेगिस्तान के अंदर प्रवेश कर चुके थे। फोर आर बीकानेर की तरह हम लोग जाने के बाद एक होटल में हम लोग रुके थे फॉर लंच, और लंच खत्म करके ही हम लोग फिर से चल पड़े। एज आई टोल्ड यू द ओवरव्यू ऑफ दिस राजस्थान टूर इन प्रीवियस वीडियो, हम लोग पहले जयपुर से साइट सीइंग करते करते जाने वाले थे बीकानेर। जयपुर से बीकानेर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर, जाने में लगभग 6 आवर टाइम लगा।
उधर जाके हम लोगों को नाइट स्टे करना था क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले थे जैसलमेर के लिए, और बीकानेर से जैसलमेर ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर, और जाने में वही 6 घंटा टाइम लगा था। हम लोग जहाँ नाइट स्टे किए थे उधर से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी में था। तो ये था मेरा कोलकाता से बीकानेर जाने का स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे मेरा फर्स्ट सैम कैंप ड्यून्स एक्सपीरियंस, कैमल राइड एंड रात 11 बजे को पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक जाने का एक्सपीरियंस। स्टोरी अभी बहुत बाकी है, असली स्टोरी तो मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।